रिश्ता अज़दवाज, दाम्पत्य जीवन यानी शादी के बाद की जिंदगी अगर अच्छे से चल रही हो तो समझ लीजिए स्वर्ग यदि कहीं है तो इसी दुनिया में है। और अगर शादीशुदा जीवन में खिंचाव है, प्यार नहीं है, दुख है, तो भाई साहब ये मान लीजिए कि नर्क या जहन्नुम से कम नहीं होती है जिंदगी। राजेश गौतम कानपुर में रहते थे, पेशे से टीचर थे, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह खूब थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि करोड़पति शिक्षक थे। सुंदर सी पत्नी और जीवन में खुशियां ही खुशियां। इस बीच उन्होंने एक शानदार मकान बनाने का सोचा और ये काम ठेके पर दे दिया। फिर जो हुआ वो ऐसा हुआ कि आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा और इस कहानी का आगाज एक साल पहले तब हुआ था जब कानपुर के करोड़पति टीचर राजेश गौतम ने अपना मकान बनवाने का ठेका एक राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को दे दिया। मकान बन रहा था, घर में शैलेंद्र सोनकर का रोज आना जाना होता था। कभी मजदूरों का पेमेंट लेना हो या फिर कभी सीमेंट, रेत, लोहे, गिट्टी की बात करनी हो, कभी मकान के डिजाइन पर चर्चा। इस दौरान उसकी मुलाकात टीचर राजेश की बीवी उर्मिला उर्फ पिंकी से हुई। पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ बीएड पास है, वो खूबसूरत भी है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर शैलेंद्र उस पर फिदा हो गया। उधर पिंकी भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और शैलेंद्र के छलावे में फंसती चली गई। इसके बाद शैलेंद्र घर में ही पिंकी के साथ, दोनों के बीच ताल्लुकात बन गए। कुछ महीनों तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन दोनों इस नाजायज ताल्लुकात के रास्ते पर काफी आगे निकल चुके थे। एक दिन राजेश को अपनी बीवी की इस करतूत की भनक लग गई। इसके बाद टीचर राजेश का पत्नी पिंकी से झगड़ा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, राजेश ने अपने घर में राजमिस्त्री शैलेंद्र की एंट्री भी बैन कर दी। वो और क्या ही कर सकता था। उधर पिंकी काफी परेशान थी, वो शैलेंद्र के प्यार में होश खो बैठी। 4 नवंबर 2023 की अल सुबह करीब 5:30 बजे टीचर राजेश गौतम रोज की तरह कानपुर के सेनपारा इलाके में सड़क पर टहल रहे थे। ठीक उसी वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, कार आती है और उन्हें बुरी तरह कुचलकर निकल जाती है। इतना ही नहीं, कार भी सामने लगे एक बिजली के पोल से टकरा जाती है। जब ये सब कुछ हुआ तो लोग वहां पर जमा होने लगे। इस बीच कार में सवार शख्स पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी में भाग जाता है। इधर बुरी तरह जख्मी राजेश की मौत हो जाती है। राजेश के घर पर खबर दी गई, उसकी बीवी पिंकी फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस ने भी शुरुआत में इस घटना को एक्सीडेंट ही माना था, क्योंकि अमूमन सुबह जब लोग टहलने के लिए जाते हैं तो कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये घटना वाकई एक एक्सीडेंट बनकर रह जाती, लेकिन इस दौरान राजेश गौतम के भाई ब्रह्मदत्त ने पुलिस के सामने शक जताया कि उनके भाई की हत्या की गई है, क्योंकि राजेश ने कई दिन पहले अपने घर वालों को बताया था कि कोई उनका पीछा करता है, उनकी हत्या भी की जा सकती है। भाई की शिकायत के बाद आखिरकार 10 दिन बाद पुलिस ने मौका वारदात के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक। पुलिस ने एक कैमरे की फुटेज से देखा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट करने वाले भागे थे, वो दोनों गाड़ी पहले एक साथ खड़ी हुई थी, एक साथ ही आई थी। इससे ये साफ हो गया कि राजेश की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है। तब पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की, फिर मर्डर के एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हुई। मामले की तह तक जाने में पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ी। ठेकेदार शैलेंद्र के प्यार में पागल राजेश की बीवी पिंकी जानती थी कि उसके अमीर पति का 1.5 करोड़ का बीमा है। उसकी मौत के बाद वो रकम भी उसे मिल जाएगी और साथ में कई करोड़ की प्रॉपर्टी भी। बड़ा प्लान था ये, लिहाजा शैलेंद्र सोनकर ने अपने चचेरे भाई विकास सोनकर को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। फिर दोनों ने एक ड्राइवर सुमित कठेरिया को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया। शैलेंद्र ने बाकायदा अपने चचेरे भाई विकास सोनकर और ड्राइवर सुमित को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी।
पुलिस को पता चला कि जिस दौरान राजेश का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसी लोकेशन से पिंकी को एक कॉल गया था। ये कॉल उसके प्रेमी शैलेंद्र ठेकेदार का था। हत्या के बाद उसने घबराकर पिंकी को फोन कर दिया था और बताया ऐसा ऐसा हो गया है, गाड़ी भी खंभे से भिड़ गई। पिंकी ने बस इतना कहा, एक्सीडेंट हो गया क्या? ठीक है जैसे लगे वैसे करो। इसके बाद पुलिस ने चुपचाप शैलेंद्र को पकड़कर पूछताछ की। उधर पिंकी ने अपने घर में घबराहट में कोई जहरीली चीज खा ली जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई। 10 दिन बाद जब पिंकी ठीक होकर घर आई तो पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की। यही वो वक्त था जब राजेश की हत्या का राज खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक पिंकी को लगता था कि राजेश को उसके और शैलेंद्र के संबंध के बारे में मालूम चल गया है, इसलिए उसे रास्ते से हटा देना ही ठीक है। दरअसल राजेश की 1,50,00,000 की 2 पॉलिसी थी। पिंकी और शैलेंद्र का प्लान था कि राजेश की हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर 1.5 करोड़ की पॉलिसी का पैसा ले लेंगे। इसके साथ साथ राजेश के पास 45 करोड़ की जमीन भी है जिसकी वारिस पिंकी बन जाती। इसके बाद उन दोनों का प्लान शादी करके साथ रहने का था। इस दौरान पिंकी ने अपने 2 मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। वो दोनों बच्चे राजेश और उसके हैं। इस मामले का इंकशाफ होने के बाद पुलिस ने पिंकी और उसके प्रेमी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। फिर उनकी निशानदेही पर शैलेंद्र के चचेरे भाई विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कार से एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर सुमित अभी तक फरार है। शादी के बाद अगर मियां बीवी में से कोई एक भी खुश नहीं है और सुलह की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है तो रिश्तों को इलास्टिक की तरह खींचने से अच्छा है कि उनसे कानूनन आज़ाद हो जाना, वरना या तो फिर ऐसे मामले सामने आते हैं या फिर कुंठा में कुड़ कुड़ कर लोग जीते रहते हैं। इस ख्याल के साथ कि उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा।